हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 6, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, क्लासेस क्या है हमारे इस चैप्टर में? जो भी हमारा मेन पर्पस होता है प्रोग्रामिंग में, वो क्या है? हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग होती है, उसके क्या ऑब्जेक्ट को ऐड करता है। और इसी तरीके से जो भी हमारे लैंग्वेज हो एंड क्लासेस होती हैं सेंटर फ्यूचर्स की, वो क्या करती हैं? प्रोग्रामिंग को यूजर डिफाइंड टाइप से डिफाइन कर देती हैं। और जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं डाटा की रिप्रेजेंटेशन एंड मेथड को। हमारे पास जब भी हमारा डाटा पैकेज में आएगा, तो वो हमारे जो क्लासेस है उसको क्या करेंगी? एक्सपेंड करेंगी कंसेप्ट में। और इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे फंक्शंस एंड मेंबर्स को कंटेन करते हैं। स्टूडेंट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होंगे क्लास में, वो क्या करेंगे? टर्म्स एंड वेरिएबल्स को क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी क्लास को डिफाइन करना है, तो हमारे पास जो सिंटेक्स आएगा, हमारे पास क्या आएगा? डबल क्लास अंडरस्कोर नेम, और असेस एंड अंडरस्कोर स्पेसिफायर क्या करेंगे? वैल्यू को डिफाइन करेंगे। और इसके जो मेंबर हैं, वो क्या करेंगे? फर्स्ट मेंबर, असेस अंडरस्कोर स्पेसिफायर जो सेकंड आएगा, वो सेकंड मेंबर को। और इसी तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हमारी ऑप्शन एंड लिस्ट के ऑब्जेक्ट के, जो हमने क्लास में डिक्लेयर किए हों, उसको उसके मेंबर एंड फंक्शन को डिक्लेयर करवाते जाएंगे एंड असेस करेंगे स्पेसिफायर को। डेक्लारेशन ऑफ क्लासेस, स्टूडेंट जो भी हमारे पास क्लास में हमने डिक्लेयर करवाया होता है, वो क्या होता है? हमारे टाइप डिपेंड करती है, वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की है कि हमारे रेक्टेंगुलर मेंबर की है। और इसी तरीके से जो भी हमारे क्लास के कांस्टेंट मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे टू टाइप्स के डाटा मेंबर्स को प्राइवेटली असेस करवा देते हैं। और हमारे जो टू मेंबर्स होते हैं फंक्शंस के, वो होते हैं पब्लिक असेस में। और हमारे पास जो भी डिक्लारेशन होती है, उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करती है अकॉर्डिंग टू हमारी एग्जाम्पल। अगर हमने रिक्टेंगुलर एक क्लास ली हुई है, तो इसमें हमारे पास जो क्लास है, वो भी हमारे पास क्या होगी? रिक्टेंगुलर। हम आपको ये पता होगा, जो हमारे रेक्टेंगल का सम होता है, वो क्या करता है? हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करता है। और इसमें अगर हमने पब्लिक फंक्शन यूज किया है, तो उसमें वो क्या करेगा? पब्लिक फंक्शन हमारी वैल्यू को सेट करेगा इंटीजर में, और एरिया क्या करेगा? हमारे हाइट एंड विड्थ की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेगा। और स्टूडेंट, जो हमारी रेक्टेंगुलर क्लास होती है, उसमें जो भी हम वैल्यू सेट करते, चाहे हमारी वो एक्स हो चाहे वाई हो, वो क्या करेगी? हमारे मेन जो रेक्टेंगुलर सेट होते हैं, उसमें वैल्यू को डिफाइन करवाएंगी। क्योंकि हमारे हमेशा ऑलवेज हमारे रेक्टेंगुलर का जो सम आता है, वो क्या होता है? एरिया में। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास इसमें नॉर्मल वेरिएबल एंड फंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारा डॉट ऑब्जेक्ट नेम है, उसको फॉलो करते हैं एंड असेस करते हैं हमारे मेंबर्स के डाटा स्ट्रक्चर्स को। रिक्टेंगुलर डॉट सेट एंड अंडरस्कोर वैल्यू क्या करेगी? उसके रिक्टेंगुलर सेट करेगी। और जो माई एरिया है, वो क्या करेगा? हमारे टू डिजिट के नंबर के सम में हमें उसकी आउटपुट देगा। और स्टूडेंट, जो हमारे पास स्कोप रेजुलेशंस ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम डबल अंडरस्कोर स्पेसिफायर के थ्रू हम अपनी वैल्यू में डिक्लेयर करवाते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे सेम प्रॉपर्टीज एंड सर्कल ऑफ मेंबर्स को डिफाइन कर देते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारे पास फंक्शन सेट की वैल्यू को हम असेस कराएंगे, तो उसकी जो हाइट एंड विड्थ होती है, वो क्या करती है? हमारे प्राइवेट मेंबर की क्लास को रेक्टेंगल में असेस करवा देती है। असेस स्पेसिफायर एंड डिफॉल्ट लेवल, स्टूडेंट जब भी हमारे पास डाटा हाइडिंग होती है, और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के, वो क्या करते हैं? हमारे फंक्शंस को असेस करवाते हैं डायरेक्टली। और इसकी जो क्लास रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो क्या करती है? हमारे लेबल को डिफाइन करती है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। स्टूडेंट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लास की जो बॉडी है, वो मैं ऑलरेडी आपको फंक्शंस में क्या है डिक्लेयर करवा चुकी हूँ। और इसी तरीके से हमारे पास जो मल्टीपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट लेबल होते हैं, वो क्या होते हैं? सेक्शंस को डिफाइन करते हैं। और इसका जो क्लोजिंग लेबल होता है, वो राइट साइड पे जो हमारे ब्रेसिस होती हैं क्लास की, उसको क्या करता है? बाय डिफॉल्ट हमारे मेंबर की क्लास को प्राइवेट असाइन करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्लास का बेस लिया हुआ है, और पब्लिक क्लास हमने क्या कर दिया है? मेंशन। पब्लिक मेंबर हमारे पास क्या होंगे? इसमें ऐड होंगे। और प्रोटेक्टेड जो क्लास है, वो भी मेंबर को
गो हेयर करेगी। और इसी तरीके से प्राइवेट मेंबर भी क्या करते हैं, हमारे ब्रेसिस के साथ ही उसको डिफाइन कर देते हैं। स्कोप ऑफ क्लास एंड इट्स मेंबर, स्टूडेंट जब भी हमारे पास पब्लिक मेंबर यूज किए जाते हैं तो इसकी जो पब्लिक मेंबर के आउटसाइड क्लास होती है वो क्या करती है, हमारी वैल्यूज के पब्लिक वेरिएबल्स को सेट करती है। और इस तरीके से जो हमारे पब्लिक मेंबर्स फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी प्रोग्रामिंग के। जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है, हमने क्लास लाइन ली हुई है और इसके जो फंक्शन है, जैसे हमने पब्लिक में क्या है डबल लेंथ ले ली, और हमारा जो वॉइड सेट लेंथ है वो क्या करता है, उसको लेंथ को डिफाइन करता है। और डबल गेट लेंथ क्या करेगी, हमारे मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करती जाएगी। डबल लेंथ में हम क्या करते हैं, लेंथ की रिटर्न करते हैं, और हमारी जो लाइन सेट की लेंथ होती है वो क्या करती है, डबल लेंथ के हम उसको मेंशन कर देंगे। और हमारा जो मेन फंक्शन प्रोग्राम है वो किस पे डिफाइन होगा, लाइन पे। और हमारे पास जो लाइन है वो क्या करेंगी, सेट करेंगी हमारी अकॉर्डिंग टू लेंथ के। जब भी हमारे पास लाइन डॉट लेंथ सेट हम करते हैं तो इसमें हमारे पास लेंथ क्या होती है, काउंट हो जाती है। और हमारा जो कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटर है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू देयर कोड में। प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल को असेस नहीं करते, बट हमारे पास जो इसकी आउटसाइड का व्यू होता है, जिसको हम फ्रेंड क्लास फंक्शन भी बोल देते हैं, वो क्या होते हैं, उसके मेंबर को असेस करवाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास विड्थ होती है वो प्राइवेट मेंबर को हायर करती है, और हमारा जो लेवल होता है मेंबर का वो अज्यूम होता है प्राइवेट मेंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिंटेक्स क्लास बॉक्स डबल विड्थ एंड पब्लिक, ये हमें क्या करेगा, हमारे पास पार्शियली डिफाइन करवाएगा हमारे सेक्शंस को, और हमारे जो पब्लिक सेक्शन है वो क्या करेंगे, आउटसाइड क्लास को शो करवाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। ये हमारे पास स्टूडेंट एग्जाम्पल भी दी हुई है उन्होंने। साथ साथ में स्टूडेंट एग्जाम्पल देने का मतलब उनका ये है भी आपको साथ साथ में हर चीज क्या है एग्जाम्पल के साथ क्लियर होती जाए, और आपको इसकी प्रोग्रामिंग में प्रॉपरली इसको मेंशन करने का आपको प्रॉपर व्यू मिल जाए। स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है, क्लास वो क्या रहे हैं बॉक्स, और इसमें जो मेंबर दिए हैं वो पब्लिक क्या है, हमारे पास डबल में लेंथ लिया है, वॉइड में उन्होंने सेट विड्थ की हुई है, और हमारा जो डबल गेट विड्थ है वो क्या कर रहा है, पब्लिक में डिफाइन हो रहा है। और जो प्राइवेट मेंबर हैं डबल के वो क्या करते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन को डबल बॉक्स में रिटर्न करते हैं, और हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, लेंथ एंड विड्थ को क्या करेगा, असाइन करेगा। और हमारा जो मेन फंक्शन है प्रोग्राम का वो किस पे डिपेंड होगा, बॉक्स पे। आपको पता ही होना चाहिए जो हमारी बॉक्स की लेंथ एंड विड्थ होती है वो डिपेंड करती है हमारे बॉक्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से हमारे जो सेट बॉक्स की विड्थ होती है वो रिटर्न करती है हमारी लेंथ एंड विड्थ को। और इसी तरीके से हमारा जो कंपाइलर भी है वो क्या करेगा, हमारी एग्जीक्यूशन करेगा अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोड्यूस प्रोग्राम में। स्टूडेंट जब भी हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके डिपेंड करते हैं हमारे पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप वो क्या करता है, प्रोटेक्टर मेंबर को मेंशन करता है, बट हमारे पास इसमें जो भी प्राइवेट मेंबर हैं वो क्या करते हैं, हमारी एक चाइल्ड क्लास को असेस करते हैं, और जिसको हम ड्राइव क्लासेस भी बोल देते हैं। जब भी हमारी ड्राइव क्लासेस इनहेरिट होती हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो क्या करती हैं, हमारे पास जो वन चाइल्ड क्लास है उसको स्मॉल बॉक्स में, और जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है वो क्या करती है, हायर करती है हमारे मेंबर्स को। इसको ड्राइव क्लास को उन्होंने स्मॉल बॉक्स में एक फंक्शन मेंबर के एग्जाम्पल में उन्होंने हमें क्या है, डिफाइन किया है, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास क्लास क्या होगी, बॉक्स ही होगी। बट इसमें जो मेंबर हमने लिए, जैसे अगर हमने प्रोटेक्टेड लिया हुआ है, वो उसमें क्या करेगा, हमारी डबल विड्थ को असाइन करवाएगा, और जो हमारी क्लास स्मॉल बॉक्स है वो क्या करती है, अगर हम उसको पब्लिक ले लेते हैं प्रोटेक्टेड के बाद, वो क्या करेगी, हमारे जो सेट स्मॉल विड्थ है उसकी वॉइड विड्थ को क्या करेगी, मेंशन करेगी। और जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं चाइल्ड क्लास के, वो क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, और स्मॉल जो बिग है उसकी विड्थ को असाइन करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो भी स्मॉल बॉक्स की विड्थ एंड हाइट होती हैं वो क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हमारे मेन फंक्शंस के प्रोग्राम को। और हमारा फंक्शन जो प्रोग्राम है वो भी क्या करेगा, क्लासेस को असाइन करवाएगा। और उसी तरीके से हमारे पास जो कोड होते हैं कंपाइलर के, वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू तुम्हारी विड्थ क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे मेंबर फंक्शन।
मेंबर फंक्शन भी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक क्लास फंक्शन का प्रॉपर प्रोटोटाइप है जिसको हम डेफिनेशन एंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपनी क्लास में ऑपरेट करते हैं, और इसके जो ऑब्जेक्ट मेंबर होते हैं वो असेस करते हैं हमारे क्लास ऑब्जेक्ट को, और हमारे पास जो मेंबर क्लासेस हैं वो क्या करती हैं हमारे फंक्शंस को डायरेक्टली असाइन करवाती हैं। जैसे कि अगर हमने पब्लिक में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ले ली है तो इसका हमारा रिजल्ट आपको पता ही होना चाहिए था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का वॉल्यूम में ही रिटर्न करवाएगा। इसलिए हमारे पास जो मेंबर फंक्शन की क्लास डेफिनेशन है वो क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू हमारी डिफाइनर एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होगी, और हमारे जो इन लाइन स्पेसिफायर हैं वो क्या करते हैं हमारे आइदर एंड डिफाइंड वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास जो क्लास बॉक्स है वो है क्या है पब्लिक, और इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमने क्या दी हुई है बॉक्स की, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो क्या करेगा हमारी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीपल करके उसकी आउटपुट को क्या करेगा हमें असाइन करवा देगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं चाहे वो हमारे मेंबर फंक्शंस के हों डॉट ऑपरेट के हों, वो सभी क्या करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को मैनुपलेट करते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो डाटा है वो क्या होता है रिलेटेड ऑब्जेक्ट की एक क्लास बन जाता है, और हमारा जो कंसेप्ट भी है वो भी क्या करता है हमारे अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन के अकॉर्डिंग ही वो हमारी वैल्यू को असाइन करवाता है। और इसकी जो एग्जाम्पल और हमारे जो सिंटेक्स हैं वो भी क्या करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू को सेट करते हैं, और जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है हमारी एग्जीक्यूशंस को, और हमारा रिजल्ट ऑलवेज ही क्या करेगा हमारी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को ही मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को हमें डिफाइन करवाएगा। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास डाटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट डाटा हाइडिंग क्या करता है हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट के कोड होते हैं और उसके जो पार्ट होते हैं उसको एक्शंस को परफॉर्म करता है, और जो प्रोग्राम डाटा कर क्या करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि हमारी जो अफेक्टेड इंफॉर्मेशन है फंक्शंस की वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो डिफाइन हो सके। इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हमारे पास क्या होते हैं जो फंक्शंस को डाटा को मैनिपुलेट करते हैं वो क्या करेंगे हमारी जो बोथ साइड होती है आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज को उसको क्या करता है इनकैप्सुलेट करता है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं उसके डाटे को हाइड करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारा डाटा इनकैप्सुलेशन बाउंडिंग डाटा के फंक्शन के थ्रू हमारे पास अफेक्ट यूज होगा तो उसका जो डाटा एब्स्ट्रैक्शंस है वो क्या होगा इंटरफेस होगा, एंड हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो क्या करेंगी उसकी प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करेगी, और इसी तरीके से जो यूजर डिफाइंड डाटा है वो क्या करती है हमारी क्लास को डिफाइन करती है जिसको हम कंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और हमारे पास जो डिफॉल्ट आइटम होती हैं वो हमारे पास क्या है क्लास प्राइवेट में ही डिफाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने इसको भी समझाया जैसे उन्होंने पब्लिक क्लास में उन्होंने वॉल्यूम ले लिया है, वॉल्यूम ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को, और प्राइवेट में भी उन्होंने क्या किया है हमारी लेंथ ब्रेथ को असाइन कर दिया है, और इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास जो डाटा आता है बॉक्स का वो क्या करता है हमारे प्रोग्राम को इनकैप्सुलेट करता है, और इसके जो पार्ट होते हैं क्लास पब्लिक के वो क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं हमारे कीवर्ड्स को, और हमारे जो पब्लिक स्पेसिफायर है वो हमारे फंक्शंस और प्रोग्राम को असेस करते हैं। इन लाइन फंक्शन, इन लाइन फंक्शन क्या है हमारे पास स्टूडेंट एक पावरफुल कंसेप्ट है जो हमारी क्लासेस में यूज किया जाता है, और हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करता है इसके कोड को उसकी प्लेस से कॉपी करता है, और जिस जहाँ भी इस फंक्शन को हमें कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या है कोई भी चेंजेस किए बिना हमारे जो इन लाइन फंक्शंस होते हैं उसके क्लाइंट फंक्शंस को हम क्या करते हैं कंपाइल कर देते हैं, अदरवाइज हमारा जो ओल्ड फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है वर्क करता रहता है। इन लाइन फंक्शंस का हमारे पास जो मेन बेनिफिट वो क्या है जो इसके कीवर्ड हैं वो क्या करते हैं डिफाइन करते हैं हमारे फंक्शंस एंड कंपाइलर को इग्नोर करते हैं, और हमारे पास जो फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं वो क्या करती हैं इनलाइन स्पेसिफायर को एक्सप्लेन करती हैं। स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास जो इनलाइन है उसमें हम क्या है हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, और मैक्सिमम वैल्यू में हमारे पास क्या है बोथ साइड्स जो होती हैं वो रिटर्न होती हैं, और कंपाइलर क्या करता है हमारे कोड को वन बाय वन इसमें रिप्रेजेंट करता जाता है। नेस्टेड मेंबर ऑफ फंक्शन,
नेस्टेड मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, और इसका जो मेन मेंबर फंक्शन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, हमारे नेम को इनसाइड मेंबर फंक्शंस की क्लास में सेम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर देता है। नेस्टेड मेंबर में हमारे पास, जैसे आपको मैंने वैसे ही बताया था भी, जो हमारी नेस्टेड का मतलब ही क्या है, लूप के अंडर लूप, इसी तरीके से हम इसमें क्या है, पब्लिक क्लास भी डिफाइन करेंगे और उसको भी रिटर्न करवाएंगे, और हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगी, पब्लिक में हमारे पास क्या है, जो भी हमारा मेन फंक्शन है वो हम ओपनली डिफाइन कर देते हैं, और इसमें जो भी हमारे मेन फंक्शन में हमने सेट किए होते हैं वैल्यूज एंड प्रोग्राम, उसको वो क्या करेगा, इनपुट करेगा। जैसे एम एंड एन में हमने क्या है, वैल्यू डिफाइन कर दी, और इसमें हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25, तो वो क्या करेगा, उसको ही असाइन करवा देगा। एरे विद इन क्लास, स्टूडेंट क्लास में हम एरे मेंबर्स एंड वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, हम इनिशियलाइज करते हैं उसके साइज को, देन हमारे पास जो साइज होता है वो क्या है, पब्लिक में हमारे पास सेट हो जाता है, और इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या करते हैं, मेंबर फंक्शन जो होते हैं जिसको हम सेट वैल्यू बोलते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स जो एरे के होते हैं उसको डिस्प्ले करवाती हैं, और हमारे जो इसमें मेंबर यूज किए जाते हैं फंक्शंस के, उस पर ऑपरेट होता है हमारे अकॉर्डिंग टू एरेज की वैल्यू के। फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट, हमारे पास जो एरे के ऑब्जेक्ट जिसको हम क्लास बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एरे ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफायर को यूज करते हैं, और यूजर जो डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू, जैसे अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू मैक्सिमम 100 ले ली है, तो हमारी जो क्लास की डिटेल है वो क्या है, प्राइवेट हमने क्या है, सैलरी, एंड जो हमारा फ्लोट में हमने क्या ले लिया, रोल नंबर, और पब्लिक क्या कर रहा है, हमारे गेट नेम को काउंट कर रहा है, जैसे कि अगर हमने सैलरी एंटर की है तो वो क्या करेगा, हमारी सैलरी को डिफाइन करेगा, अगर हमने रोल नंबर एंटर किया है तो वो क्या करेगा, रोल नंबर को पुट नंबर एक्सप्लेन में क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी एंड नंबर्स को डिफाइन कर देगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट, जब भी हमारे पास वॉइड का मेन फंक्शन सेट होगा, तो उसमें हम क्या है, डिटरमाइन करेंगे डिटेल, डिटेल कौन सी होती है, हमारे एम्प्लॉयज की कोई पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, उसकी पर्टिकुलर आईडी हो सकती है, जिसको हम अनदर एंट्री के साथ क्या करते हैं, शो करवाते हैं, और इसमें हम क्या है, वाइल एंड फॉर लूप, बोथ लूप क्या करेंगे, इसमें डिटरमाइन करेंगे, और हमारे जो एम्प्लॉयज के रिजल्ट हैं वो भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर्स एंड सैलरी के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, जैसे आपकी क्लास के जो रोल नंबर हैं, हम उसको भी क्या है, वाई एंड एन में क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। हमारे पास जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज भी हैं, अगर हमने उसके नंबर, सेकंड नंबर की अगर हमने सैलरी एंटर की, तो वो क्या करेगा, सेकंड नंबर की ही करवाएगा, और रोल नंबर 30 क्या करेगा, हमारे पास अनदर जो नंबर है उसको एक्सप्लेन करवाएगा। और इसमें स्टूडेंट, क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, जैसे कि गेट नेम, ये यूज करेगा हमारे इनपुट को, और हमारे पास जो भी एरे स्टोर है उसके ऑब्जेक्ट को वो डिस्प्ले करवाएगा हमारी इंफॉर्मेशन के थ्रू। ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, स्टूडेंट हमारे पास जो वेरिएबल, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस होते हैं वो क्या है, थ्री मेथड्स में हमें डिफाइन करते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय एड्रेस। पास बाय वैल्यू क्या है, हमारे पास एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो हमारे फंक्शंस को असाइन सेट करता है, और इसमें हमारे पास जो फॉर्मल कॉपीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट मेमोरीज की लोकेशंस को स्टोर करती हैं। रेफरेंस क्या करता है, हमारे जो एड्रेस होते हैं ऑब्जेक्ट को वो उसमें सेंट करता है फंक्शन में, रेफरेंस बाय, पास बाय सॉरी एड्रेस। एड्रेस क्या करेगा, हमारे पास जो एग्जाम्पल सिटी होती है फंक्शंस की, उसके एड्रेस को वो क्या करता है, सेंट करता है। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास जो पास बाय, रेफरेंस, एड्रेस मेथड एंड एड्रेस एक्चुअल ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, हमें आर्गुमेंट के रेफरेंस पॉइंट को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफाइन करेंगे, और जो भी इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस होती हैं उसका रिफ्लेक्ट जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट में पड़ता है। और जो हमारे टू मेथड हैं वो क्या करते हैं, हमारे फंक्शंस को डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट प्रिवेंट करते हैं। स्टैटिक मेंबर ऑफ C++ क्लास, स्टूडेंट स्टैटिक मेंबर्स क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैटिक कीवर्ड होते हैं जो हमारे मेंबर की क्लास को डिक्लेयर करवाते हैं, और इसमें हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, हाउ मेनी जैसे कि ऑब्जेक्ट हम इस क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, और कितनी कॉपीज जो है वो स्टैटिक मेंबर ओनली वन कॉपीज को ही डिफाइन कर सकता है। स्टैटिक मेंबर क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑल स्टैटिक वैल्यूज होती हैं उसको इनिशियलाइज करवाते हैं, और इसमें जो क्लास के डेफिनेशनर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो भी
हमने डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल, उसके स्कोप को रेजुलेशन ऑपरेटर में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी भी उन्होंने एग्जाम्पल एक दी, सेट की हुई है, जैसे कि अगर हमने बॉक्स नेम क्लास बॉक्स ले लिया और इसकी जो स्टैटिक हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और हमारे पास जो बॉक्स है जिसमें अगर हमने डबल 2.0 2.0 हमने क्या है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ले ली है, तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को एट ए टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को रिटर्न करवाएगा, और जो हमारे प्राइवेट हमने जो भी वैल्यू असाइन की हुई है वो हमारे स्टैटिक मेंबर को क्लास बॉक्स में सेट करेगा। और इसी तरीके से जैसे हमारे पास जहाँ पर क्लास बॉक्स जो है 3.3 हमारे पास क्या हो गई, लेंथ हो गई, 1.2 ब्रेथ हो गई, एंड 1.5 क्या हो गई, हाइट हो गई, और हमारा जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, टोटल ऑब्जेक्ट को काउंट करके हमें उसकी आउटपुट देगा, जैसे कि कंस्ट्रक्टर कार्ड, कंस्ट्रक्टर टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हो गए, 2। हमारे पास स्टैटिक फंक्शन मेंबर क्या करते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंटली क्लास की ऑब्जेक्ट को हमारे फंक्शन में डिक्लेयर करवाते हैं, और हमारा जो स्टैटिक मेंबर है वो क्या करता है, हमारे स्कोप के रेजुलेशन ऑपरेटर को डिफाइन करता है। स्टूडेंट जब भी हमारे स्टैटिक फंक्शन को असेस किया जाएगा तो इसके जो स्टैटिक फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, आउटसाइड होंगे हमारी क्लास के, और हमारे पास जो भी इसका स्कोप है वो क्या करता है, पॉइंटर को असेस करवाता है एंड हमारे ऑब्जेक्ट क्लास को क्रिएट नहीं होने देता। इसकी भी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जो कि हमारे स्टैटिक फंक्शन को असेस करता है। स्टूडेंट स्टैटिक फंक्शन हमारे पास जो क्लास बॉक्स होती है वो पब्लिक हमारे पहले ही हम ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं, और इसमें भी हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या करेगी, उसकी वैल्यू को वैल्यू असाइन करेगी, और जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इसको काउंट करता जाएगा, बट हमारा जो आंसर है वो ऑलवेज इसका वॉल्यूम में ही एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और जो हमारे पास स्टैटिक इंटीजर वैल्यू जो हमने इसमें सेट की होती है वो भी उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। प्राइवेट प्राइवेट डबल लेंथ क्या करती है, हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को इनिशियलाइज करती है स्टैटिक क्लास बॉक्स में, और इसी तरीके से हमारे पास जो मेन इंटीजर हैं वो क्या करेंगे, हमारे टोटल नंबर्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्रिएट करेंगे, और इसकी जो इनिशियलाइज स्टेज है वो क्या करेगी, हमारी लेंथ ब्रेथ को फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे बॉक्स में डिक्लेयर करवा देगी, और इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारी फाइनल स्टेज में जाकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो कंपाइलर है वो क्या होगा, हमारे रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, और इसी तरीके से जो भी हमारी फाइनल स्टेज एंड जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं हमारी स्टेटमेंट में। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर जो 6 है वो भी फिनिश हो चुका है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड बेटर देन अनदर चैप्टर, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर दिस कॉप।